किनकी जितने भी गुरु होते थे ना वो मर जाते थे तो यहाँ पे कपता के दबा के उनके ऊपर समाधि बना दी। यहाँ पर कैसे दबाने इतने छोटे छोटे में कैसे आ गए अंदर का नीचे पड़ा रहता था बना लेना सबके। अब्बल तेरे सेट में बोले हैं तो एक भी नहीं है एक भी नहीं है एक कुछ पड़ा पापा ने खांसी की दवाई नहीं खाई अब कर ले मम्मी को वीडियो कॉल दिखा दो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग निधि वन में थे पिछली वीडियो में तो पूरा हो नहीं पाया था क्योंकि वीडियो जो थी वो बहुत लंबी हो रही थी तो मुझे कट करके और फिर ये दूसरा जो है पार्ट बनाना पड़ा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी हम वृंदावन में हैं और वृंदावन की जो है पूरी यात्रा हमारी चल रही है और आगे आगे आने वाली वीडियो में पूरा हमें आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या वजह थी जो हम लोग वृंदावन में आए हैं और पिछले साल भी आए थे। तो यहाँ निधिवन का मैं दिखा रही थी तो निधिवन की तरफ जो घर होते हैं ना सबकी खिड़कियाँ शीशे से बंद होती हैं और बस निधिवन के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये वो पेड़ है सामने जहाँ पे कृष्ण भगवान ने मतलब गेंद गिरी थी ना यमुना जी में और वो यमुना जी में कूदे थे तो से वो कालिया नाग जो था उसका वध किया था तो यहीं पेड़ से ये कूदे थे यहाँ पे। तो ये वही है और यहाँ पे दिखा भी रखा है सामने कृष्ण भगवान को बैठा रखा है हाथों में गेंद दे रखी है पर आगे नहीं जा पाए क्योंकि बंदर हैं और बंदरों का यहाँ पर भरोसा नहीं कब हाथ से फ़ोन छीन लें। आवाज कुछ याद आई मुन्नो ओ बंगाली बैठे हो देख बंगाली कर रहे हो अन्नू देख कहाँ आवाज नहीं आ रही ओ बैठे हो सारे चला रहे हो बंगाली भेलपुरी देखते हैं कितनी क्योंकि मैंने भेलपुरी पूछ क्या कितने की मुन्नो तू पूछा ना अरे लिखा था सादा भेलपुरी में भेलपुरी कितने की भैया अरे यार 50 30 में क्या क्या है 30 रुपए में और प्लेट कितनी बड़ी है इसकी अब 20 वाला 20 में ये आएगा सादा रहता है बनाना 30 का एक और यहाँ पे भी शाम को हम आ गए हैं यमुना जी के पास यमुना तट पे। तो बोटिंग का था कि बोटिंग पे जाएंगे लेकिन एक जने का 100 रुपये मांग रहे थे और हम लोग थे 5 जने तो 250 रुपये मतलब 500 रुपये एकदम चले जाते। तो फिर अनिकेत ने मना कर दिया कि मम्मी कोई बात नहीं रहने दो उतने का हम कुछ खा लेंगे। बच्चे मेरे ऐसे ही हैं मतलब खर्च देखते हैं ना कि हाँ खर्च है तो मना कर देते हैं खुद से जिद नहीं करते। तो फिर यहाँ पर भेलपुरी का स्टॉल था स्टॉल तो बहुत सारे थे यहाँ पर
और वो धीरे धीरे खुल रहे थे। तो फिर भेलपूरी हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, और सच में मैं बताऊँ भेलपूरी बहुत टेस्टी थी। दो तीन दिन तक मुझे ना वही याद आती रही कि भेलपूरी, और 30 रुपये में थी तो काफ़ी मतलब क्वांटिटी बहुत थी। और 30 रुपये की भेलपूरी में यूँ मान लीजिए मतलब पेट भर गया था। और शाम को तो हमने रात को ही कुछ खाया था, वरना दिन में तो हमारा यही हो रहा था, कभी भेलपूरी खा रहे थे, कभी अमरूद लेके खा रहे थे, कुछ ना कुछ। और मैं सच बताऊँ यम्मी बहुत यम्मी थी भेलपूरी, बहुत अच्छी थी। पर दूसरे दिन हम गए सुबह के टाइम पे गए थे, फिर आएंगे सुबह के टाइम पे यहाँ पर, और सुबह के टाइम पे हम बोटिंग करेंगे। और अभी क्या हो रहा था ना, अभी दिन ढलता जा रहा था तो शाम भी हो रही थी, ठंडी हवा भी चल रही थी, और शाम का ना वीडियो जो था वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा था। तो हमने कहा चलो फिर मॉर्निंग में नहीं देखेंगे। और फिर ये देखिए मेरी अकेले की प्लेट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा मैं तो भर पेट खाऊँगी। मम्मी सॉन्ड आ रहा है, परठा का बना तो समुद्र गए थे उसी गेट से बैठ खड़ी हूँ यहाँ पर, आपका वेट कर रही हूँ मैं। कौन है? बिछड़ गए होंगे ना, कोई बिछड़ गया होगा ना। बेटी है बिछड़ गई, आश्रम पागल है, फोटो तो उसमें से निकाल लो। मैं फूल तोड़ लूं? नहीं, नकली के फूल लगा रखे हैं, नकली के हैं, असली के हैं, गार्डनिंग हो रखी है सारी। बरात आदि किसी के डीएम के डीएम डीएम वहाँ देखिए हो रहा है। पापा ऊपर जाएंगे रे, चलो ऊपर आ जाओ। पापा कहाँ हैं? अनिकेत
पापा कहाँ गए? तो देख रही पर्चल कटो तो यहाँ पे प्रेम मंदिर के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं और हमने खुद भी कर लिए हैं। और यहाँ पे ना ये फव्वारे की झांकियाँ निकलती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।